HS के स्टूडेंट को मेरा सलाम। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज से 2019 में पार्ट ए और पार्ट बी में MCQ और SAQ जितने भी सवाल आए हुए थे डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में जो आया हुआ था, डिस्कस द ब्राइफली द डिफरेंस टाइप्स ऑफ बायोडिवर्सिटी, व्हाट इज सेड बैंक, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड बायोडिवर्सिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वैल्यू ऑफ बायोडिवर्सिटी, व्हाट डू यू मीन बाई इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडिया टेक कंटेक्स्ट, डिस्कस विद द एग्जाम्पल द रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन द सुइटेबल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, व्हाट इज द मिक्स फार्मिंग, व्हाट डू यू मीन बाई इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, स्टेट द रूल ऑफ माइक्रोरिया इन क्रॉप प्रोडक्शन। ये तमाम सवालात लॉन्ग थे जो आया हुआ था 2019 में। अब MCQ और SAQ को सॉल्व करेंगे। इन विच ईयर वॉज द बायोडिवर्सिटी एक्ट प्रोमोलगेटेड इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2002 में। दो नंबर सवाल, इन विच ईयर द वॉज द रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर पब्लिश? 1992, 1984, 1972, 1987। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट, द मेन रीजन फॉर डिस्ट्रक्शंस ऑफ माली सिविलाइजेशन वाज? इन्वायरमेंटल डिजास्टर, इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, नन ऑफ दिस। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, इन्वायरमेंटल डिजास्टर। चार नंबर सवाल, विच डिजीज इज कॉजेज ड्यू टू एफेक्ट ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन? ब्लू बेबी सिंड्रोम, टाइफाइड, या गेटोर्डाइसिस, या पोलियो? तो चार का ऑप्शन ए होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। पांच नंबर जो सवाल है, द डेथ एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक इंड प्रोडक्ट दैट रिमेन इन सॉयल कॉल लोम, ह्यूमनस, लेटराइड, या नन ऑफ दिस। तो पांच का जवाब होगा ऑप्शन बी, व्हाट इज द प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ थ्रेटन्ड एम्फिबियन स्पाइसेस इन इंडिया? तो 93, 3, या 81, या 17। तो इसका जवाब होगा बी, 3। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज डीहैंग दिबंग बायोस्फीयर रिजर्व इंस्टीट्यूट सैचुरेटेड? आसाम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश? तो ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। साठ नंबर सवाल, बीच प्लांट हैज द साइंटिफिक नेम आजादी रक्चा इंडिका? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, नीम। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व वेयर फॉर्म इन इंडिया टिल 2007? 14, 15, 16, 18। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, 14। अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम पर्सनेबल लिमिट ऑफ नॉइज एट नाइट टाइम साइलेंट जोन? 10 का होगा 50 डेसिबल, या 65, या 45, या 40? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, 40 डेसिबल। व्हाट इज द प्रेजेंट एंड टोटल नंबर ऑफ थ्रेटन्ड बर्ड स्पीशीज इन इंडिया? 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 72। Which type soil is very rich in minerals? Sandy soil, alluvial soil, या black soil, या none of these? The option C होगा, black soil. In which year was the Earth Summit held? 1972, 1992, 2002, 1982। तो 1992 option B होगा। What is India rank in the world in respect of mammalian diversity? तो 14 का जवाब होगा ऑप्शन ए, 8।
हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एग्निसपॉम स्पाइसेस प्रेजेंट एग्जिस्ट इन इंडिया? तो 15 का जवाब होगा ऑप्शन बी। इन विच ईयर वॉज द कन्वेंशन ऑन बायोडिवर्सिटी हेल्ड? 16 का ऑप्शन बी होगा 1972 ईस्वी में। द नेम ऑफ लॉन्ग लिव हाजार्डियस पेस्टिसाइड इज? तो 17 का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका जवाब होगा ऑप्शन ए DDT। इन विच ईयर वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोमोलगेटेड इन इंडिया? तो इसका जवाब होगा 1972। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वाट इज मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ द एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर ऑफ द सेंसिटिव एरिया? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी 70 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पर्सन ऑफ द इंटर वर्ल्ड सफर फ्रॉम इलनेस ड्यू टू द पेस्टिसाइड पॉइजनिंग एवरी ईयर? तो ऑप्शन ए होगा। हाउ मच एरिया ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर लैंड्स इज गेटिंग अनफिट फॉर एग्रीकल्चर एवरी ईयर? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए 4 बैक्टेरियम इज वन फॉर्म ऑफ बायोफर्टिलाइजर ऑर्गेनिक क्लोरीन या टॉक्सिक मेटल या नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन होगा ए। दो अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया इज? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ द ग्रेजुअली इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द मेटलिक एलिमेंट्स एट ईच सक्सेसिव लेवल ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड? तो ऑप्शन सी होगा, मिस्टेक से सी होगा, बायो मैग्निफिकेशन होगा ये। ऐसे क्यों को डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी में, जितने भी सवालात आए थे, क्योंकि उस कॉमन सवालात आ रहा है एग्ज़ाम में। तो ऐसे क्यों में जो आया हुआ था 2019 में, उन सवालातों को देखेंगे। पहला सवाल है व्हाट इज अजोला अजुल्लो, इसका आंसर दिया हुआ है। दो नंबर सवाल, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एलुवियल सोयल, इसका भी आंसर है। व्हाट डू यू मीन बाई अंडरस्टैंड बाई बायो हर्बिसाइड? नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया? व्हाट इज जुलम जूम कल्टिवेशन? व्हाट इज टोंगिया? गिव एग्जांपल ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड। नेम अ मोजर प्लांट डिजीज। व्हाट इज अर्थ कैपिटल? इन विच ईयर वॉज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट प्रोमोलगेटेड? इन विच ईयर वॉज द फैक्ट्रीज एक्ट प्रोमोलगेटेड इन इंडिया? व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर 10,500? What do you mean by hardness of drinking water? In which year was the elephant project launched in India? What do you mean by 2C culture? What do you mean by habitat fragmentation? What do you mean by hot spot of biodiversity? What do you mean by bio geochemical cycle? What is the green pole? Gene pole? What is the full form of NAEB? What do you understand by sustainable lifestyle? Give example of ancient water civilization.